ये लोग चाहो है कि हमारा धरना के ऊपर खराब हो, आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट, दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर धरने पर 3, 4 व 5 मई की मध्य रात्रि भारी हंगामा हो गया। पहलवानों का आरोप है कुछ पुलिस वाले शराब पिए हुए थे जिन्होंने अव्यवस्था फैलाने का काम किया। मामला सारा इस तरह बिगड़ा कि बरसात होने के कारण धरना स्थल पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती कुछ बेड लेके आए कि पहलवानों को सोने के लिए ऑफर किए, लेकिन पुलिस ने उन बेडों को अंदर नहीं जाने दिया और सोमनाथ भारती और आप कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने लगे। इस पर हंगामा हो गया। इसी दौरान कुछ महिला खिलाड़ियों के साथ भी पुलिस ने हंगामा किया। महिला खिलाड़ियों का आरोप है कि पुलिस वाले शराब पिए हुए थे, उनके साथ बदसलूकी की। एक खिलाड़ी को चोट भी आई हुई है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी मौके पहुंची, जिसे पुलिस ने घसीटते हुए पुलिस वैन तक ले गई। पुलिस 4 और 5 मई के मध्य रात्रि को जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन धरने पर पुलिस ज्यादति के चलते हंगामे का समाचार है। मामला इस तरह हुआ कि बारिश के कारण धरना स्थल पर पानी भर गया, जिस कारण धरना दे रहे पहलवानों को कीचड़ में सोने को मजबूर होते देखा। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती कुछ बैग लेकर पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने वहां अंदर नहीं जाने दिया, जिस कारण हंगामा हुआ। आरोप है कि इस दौरान महिला पहलवानों और वहां पर धरने पर बैठे अन्य पहलवानों के साथ भी धक्का मुक्की व मारपीट हुई। बताया जाता है कि एक पहलवान के सिर में चोट लगी है। पहलवानों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी शराब पिए हुए थे। इन पुलिस कर्मचारियों ने महिला पहलवानों के संग बदसलूकी की वो गाली गलौज दी। इस दौरान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल धरना स्थल पर पहुंची और उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। इस पर दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में लेने के प्रयासों में स्वाति मालीवाल को 4 से 5 पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी लगभग घसीटते हुए ले गई और पुलिस की वैन में हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से खफा पहलवानों ने अपने सभी समर्थकों से बड़ी संख्या में धरना स्थल पर आने की अपील की है, जिससे किसी भी बड़ी घटना की आशंका है। इसी आशंका के चलते पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और लोगों की आवाजाही भी वहां बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों से बदसलूकी शर्मनाक है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तुरंत हस्तक्षेप करें, अन्यथा किसान आंदोलन वाले हालात हो जाएंगे। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने भी ट्वीट कर घटना को मान सम्मान से खिलवाड़ बताया है। जंतर मंतर पर आधी रात को पहलवानों के साथ हुई मारपीट की घटना से आक्रोशित किसान भी देर रात धरना स्थल के लिए निकल पड़े। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली के अध्यक्ष कई किसान नेताओं और ने किसानों के साथ जंतर मंतर जा रहे थे। जानकारी पर एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस ने 4 नेताओं को धौलाकुआं पर ही रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने सभी से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन जब किसान जंतर मंतर जाने की बात पर अड़े रहे तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। रालोद नेता जयंत चौधरी ने सुबह जंतर मंत्र जाने का ऐलान करते हुए कहा कि बहन बेटी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हमारे देश के भाइयों और बहनों को आगे आना ही होगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिन से पहलवान भारतीय संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के कई गंभीर आरोप लगाए। साथियों, जय जवान जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों, आज 5वां दिन है हमारे पहलवान बहनों और भाइयों के जंतर मंतर पे धरने का, आंदोलन का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करने वाली सरकार चंद कदम पे प्रधानमंत्री जी का आवास है, 5 मिनट उनके पास नहीं है इन पहलवानों की बात सुनने के लिए और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए। जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये खिलाड़ी एक जाति के हैं, एक प्रदेश के हैं, इनको हम जवाब देना चाहते हैं। जब यही खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेकर के आते हैं, प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा करके वाह वाही लूटते हैं, उस समय ये भारतीय नजर आते हैं और आज ये एक जाति और एक प्रदेश से नजर आ रहे हैं। हरियाणा तो
खेलों का प्रदेश है, कुश्ती हरियाणा की पहचान है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। थाने में एफआईआर दी गई हमारी बहनों द्वारा, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने के लिए, एक बाहुबली सांसद को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरी भाजपा और पूरी आरएसएस लगी हुई है। अत्यंत शर्मनाक है। तमाम किसान नौजवान खापे जंतर मंत्र पे पहुंच रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। और जैसे तीन कृषि कानूनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेक करके माफी मांगी थी, ऐसे ही पहलवानों के आगे भी माफी मांगनी पड़ेगी। और ये बहनों की अस्मिता और ये कुश्ती के खेल को बचाने की लड़ाई है, और हम सब इस लड़ाई में पूरी ताकत से साथ दें। सरकार हारेगी, खिलाड़ी जीतेंगे, और ये देश भी किसानों का, खिलाड़ियों का और जवानों का है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहां है, जो आधी रात को समझौता करवा रहे थे? कहां है जांच कमेटी की रिपोर्ट? भयंकर सवाल है। और भाई, सारे भाइयों राम राम। भाई हम तीनों बिल्कुल ठीक है, एक दो बड़का चोट लगी है वो भी ठीक है। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर ली है भाई। तो आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारा धरना क्यों कर खराब हो। आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे, ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, झगड़ा किसी के साथ भी नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये हमें मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, तो हमें मुद्दे से नहीं भटकना है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।